अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने कॉलोनी खोल दी है और पिजन्स को भी आजकल हम बंद नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला जो दरवाज़ा है उनका खुला ही रहता है, तो ये खुद ही सुबह सुबह आ जाते हैं बाहर। वो देखें, वहाँ पे पतंग उड़ रही है और सारे एक मार्केट के ऊपर देखो कबूतर डर के उड़ गए। वो देखें, वो पतंग है। तो ये अब कट गई मेरे ख्याल से, तो ये आगे जा रही, सारे कबूतर इसको देख के उड़ गए। तो हमारे अभी बंद ही हैं। तो बड़ा वाला मुर्गा थोड़ी देर आज हमने बाहर निकाला है ताकि थोड़ा सा ये सीधा हो जाए। अकड़ता बहुत है ये जी। तो इन मुर्गों ने हमारा तो केज बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, सारे ही टकरे मार मार के। तो मैंने आज भी उससे रिक्वेस्ट की कि भाई अपने मुर्गे ले जाओ, अब हमने नहीं और रखने, मुझे नहीं है दिल इनका रखने का। अगर रखने होते मैंने तो इनके लिए मैं अच्छा सा घर बनवाता, क्योंकि मैंने इनका गंद ही देख के मुझे पहले से ही शौक नहीं था इनका। तो अब देखते हैं कब तक वो बनता है घर। तो उसका वो देखें, सामने बना हुआ ही है। वो देखें, ये देखें, बस दरवाज़े लगना रह गए। अब वो पता नहीं कब तक लगेंगे दरवाजे, अब एक हफ़्ता और शायद लग जाए, बोला तो उसे दो तीन दिन का ही, अब देखते हैं। तो रिंगनेक और मिट्टू को भी मैं ऊपर बाहर निकाल दिया, और ये फीमेल मैंने इसके साथ छोड़ी है। ये देखें, एक ही जैसा पेयर है ये। आइज़ भी एक जैसी हैं, नस्ल भी एक ही है ये। अब देखते हैं कि पेयर इनका लगता है कि नहीं। दो तीन दिन इधर ही रखेंगे और लवबर्ड का चेक करते हैं आज, काफ़ी टाइम हो गया। ये इसी तरह ही बैठी रहेगी सारी ज़िंदगी, अंडे वगैरह इसने नहीं देने। तो एक दिन मैं इनको मार्केट लेके जाऊंगा पता कराने कि ये पेयर है भी कि नहीं। एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो ये देखिए, इसको मैंने खोला हुआ, थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाए। तो पिजन्स का मैंने ये सोचा था कि जो हमारे नए नए पिजन्स हैं सबके मैं पर काट दूं, तो देखते हैं फिर इनके पर मैं काटता हूं कि नहीं। बाकी तो मेरे ख्याल से किसी के काटने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रीन रिंग वाली फ़ीमेल है, एक वाइट रिंग वाला मेल है, और एक ब्लू रिंग वाला, लाइट ब्लू रिंग वाला मेल है। इनके पर काटना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक वाइट रिंग वाली फ़ीमेल भी है, वो पूरा पेयर ही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनके पर काटूँ कि नहीं। लेट्स सी, पहले बाकी काम करता हूँ उसके बाद ये देखते हैं। ये देखें किस तरह खुश हो रहा है बाहर आके। बाकी दो तो इसके साथ नहीं लड़ते, ये भी मतलब इतना मारता नहीं है। बाकी जो दोनों ही आपस में इतना लड़ते हैं, उस दिन मैंने इकट्ठा इनको रखा और लड़ने शुरू हो गए, इसलिए मैंने इनको दूर दूर बंद किया हुआ है। वो देखें, इसने टकरे मार मार के उधर से सारी जाली तोड़ दिए। वो देखें, अजीब। सबसे पहले मुर्गों को दाना डाल देते हैं, खोल देते हैं इसका दरवाज़ा के अंदर चला जाइए। काफ़ी उधम मचा लिए, सारा पिंजरा इन मुर्गों ने मेरा ख़राब कर दिया। जो जाली हमने नई लगवाई थी ना, तो वो सारे ख़राब कर दिए इन्होंने, क्योंकि ये टकरे मारते हैं पिंजरे को एक दूसरे के केज में आने के लिए, जिसकी वजह से सारा केज इन्होंने तोड़ दिया। ये मैं आपको जाली अंदर से दिखाता हूँ। वो देखें, इस वाले खबीस मुर्गे ने वो कोने से सारी जाली उतार दी। वो देखें, अब ये वेल्डिंग वाला जब दोबारा आएगा ये छत डालने के लिए, तो उसको मैं कहूँगा ये ठीक करे थोड़ी सी। तो दाना मैं इसको डालता हूँ। वो देखें, उस जंगली ने सारा वो गिरा दिए। अजीब है, अजीब कसम से। तो डालता हूँ इन सबको बारी बारी दाना। ये देखिए, इसके तो काम ही अनोखे ना। वो देखिए, सारी जाली वहां से खराब करती है। तीनों मुर्गों को डाल दिए, अब पानी डालते हैं और इनको फिर मैं बंद करता हूँ लॉक, फिर हम अपने बाकी बर्ड्स की तरफ चलते हैं। पानी में अंदर भी डाल देता हूँ पिजन्स को भी और लवबर्ड को भी। तो पानी तो सबको डाल दिया, रिंगनेक को भी डाल देता हूँ इधर।
पानी का काम ख़त्म, अब बाकी काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं मुर्गों को लॉक करता हूँ, लॉक कर दिया इनको मैंने। अब बाकी सबसे पहले कॉलोनी चलते हैं पैरट्स की, उनका खाना लेके उनको डाल देते हैं, फिर लवबर्ड और रिंगनेक को डाल देंगे, उसके बाद फिर हम पिजन्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनके पर काटने हैं और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं उनकी। तो ये एक देखें अंडा नीचे पड़ा हुआ है, चेक करते हैं क्या है इसमें। ये देखिए बच्चा बना हुआ है इसके अंदर, वो देखिए। अब ये पता नहीं किसने लड़ाई करके इसका अंडा फेंका, पता नहीं अंडा था भी किसका। मेरे ख्याल से तो वो जो ऊपर वाइट हमारी बैठी हुई थी उसका है, पूरा बच्चा अंदर बना हुआ था अंडे के और किसी ने लड़ाई करके उसका अंडा नीचे फेंक दिया। ये तो हाल है डरिंग के, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये पैरट्स बेचने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने इधर एक बच्चा भी नहीं निकाला। जब मतलब के ये नहीं कि अंडे ख़राब कर देते हैं, अंडे ठीक होते हैं, लड़ाई करके एक दूसरे के अंडे फेंक देते हैं। आप देखें बच्चा बना हुआ है तो इसका नीचे पड़ा है, उस फीमेल ने बच्चा एक दफ़ा निकाले थे, उसके बच्चे मर गए थे। पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल कुछ टाइम और देख लेते हैं इनको। तो इनका मैं कवर नीचे कर लेता, सारी जाली यार इन्होंने तोड़ दिया, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अभी तो हमने इसमें अपने पैरेट्स पे नहीं रखे। ग्रीन कपड़ा मैंने नीचे कर दिया है, रिंगनेक का खाना छोड़ते हैं यहीं पे और हम आग के अंदर लवबर्ड को दाना डाल लें। नेक्स्ट टाइम मैं लवबर्ड को साथ ज़रूर लेके जाऊंगा कि कंफर्म कराने के ये पेयर भी है कि नहीं, क्योंकि अभी तक अगर ये बॉक्स में बैठे तो इसको अंडे दे देने चाहिए थे, नहीं दिए, कोई ना कोई मसला है। तो अब इसको जल्दी से डालते हैं। इनका सीज़न तो आ चुका है पर अभी तक ये वेल्डिंग वाले भाई नहीं आए मेरे भी, उनका भी जो वेल्डिंग वाला वो नहीं आ रहा, दरवाजे में कोई काम उनका रुका हुआ है, हमारी तरफ भी नहीं आ रहा, हमने सिर्फ छत ही डलवानी है, बाकी तो काम ख़त्म हो गया हमारा भी। पर अब देखते हैं कब तक आते हैं वो। मिट्टू को भी मैंने ताज़ा पानी डाला है, ये भी रोज़ ही पानी में सारी रोटी फेंक के गंदा कर देता है। तो फिर दोनों को डाल दिए, अब रह गए सिर्फ पिजन्स। तो अंदर जो पिजन्स हैं उनको मैं दाना पहले डाल देता हूँ, फिर कॉलोनी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज उधर हमने क्या करना है और क्या नहीं। बाजरा बाहर ही पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ जी बाजरा बाहर ही है। तो जो वो हैं उनको डाल देते हैं और फिर चलते हैं उधर। इधर भी सारी सफाई होने वाली है, ये जब सारे बर्ड बाहर शिफ्ट हम कर देंगे फिर ये जो केज पड़े हुए सारे इनको हम धो के वगैरह मतलब साफ वगैरह करके रख देंगे अंदर। अब सिर्फ इन पिजन्स का काम रह गया। तो सीज़र जो है वो तो मेरे ख्याल से नीचे पड़ी हुई है, तो ऐसा करते हैं फ़िलहाल के लिए अभी खोल देते हैं इनको, सीज़र जब लेके आएंगे तब इनके पर काटेंगे। उड़ाएंगे नहीं आज बिल्कुल भी हम इनको, क्योंकि अब तो मुझे डर ही लगता है इनको उड़ाते हुए। तो मैं अंदर जाके ज़रा इनकी प्रोग्रेस देख लेता हूँ, बच्चे निकले हैं कि नहीं, क्योंकि जिस फीमेल ने कल एक निकाला था उसको देखते हैं। वो देखिए शेल वो भी पड़ा हुआ है एक, अब देखते हैं किसने निकाले हैं। ये तो अंडे दोनों पूरे हैं, इसका ज़रा चेक करते हैं कि इसने दोबारा निकाले हैं कि नहीं। दिखाओ दूसरा बच्चा निकाला है आपने? नहीं, एक ही है इसका अभी तक बच्चा, तो दूसरा शेल किसका फिट पड़ा हुआ? मुझे तो इन पे शक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक ही है, दिखाओ। जी इन्होंने भी अभी तक एक ही बच्चा निकाला है, बाकी यहाँ पे भी अंडा आ चुका है। ये अब किसने अंडा दिए मेरे ख्याल, मुझे पता चल गया किसका अंडा है। ये जो हमारा न्यू पेयर हमने पकड़ा था पहले, दिखाता हूँ, ये फीमेल है ये वाली, और मेल है इसका
वो सामने जो गुस्सा कर रहे हैं वो वाला, ये इनका अंडा है। तो इन्होंने भी नेस्ट अपना ढूंढ लिया सही वाला, क्योंकि वो वाइट मेल तो चला गया था, तो इन्होंने ये नेस्ट बना लिया, अंडा दे दिया। चलो देखते हैं। तो दाना इनको मैं डालने लगा, आ जाओ सारे। तो दाना मैंने इनको डाल दिया, दाना रखते हैं इधर, आहिस्ता आहिस्ता सब सारे आ जाएंगे दाना खाने के लिए। जो हमने कल वाइट पकड़ा था परसों, बल्कि वो भी वो देखें अंदर है, केज की छत के ऊपर बैठा हुआ है, मेल है वो। बाकी डव्स वगैरह सारी धूप लगवा रही है एक साइड पे गट्ठी होके, मेल डव अंडों पे बैठा हुआ है, पैरेट्स नीचे उतरे में दाना वगैरह खा रहे तो वो देखे वाइट मेल बाहर आ रहा है, ये देखे बेबीज जो हैं हमारे दो वो अंदर हैं, बाकी एक और जो फीमेल हमने नहीं पकड़ी थी वो अंदर है, बाकी सारे बाहर आ चुके हैं। वो देखे वो ऊपर कहाँ से निकल के आए, ये देखे काम चेक करें ज़रा इसके। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।